हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल और मैं सोशल सी। और आज के इस वीडियो में लाइटर मोबाइल वीडियो, जहां पे बिफोर, ये जो बिफोर आपको दिख रहा है, दैट विल टर्न इनटू दिस आफ्टर। और इस इफेक्ट को हम बोलेंगे ब्लैक एंड ब्राउन इफेक्ट। इस वीडियो में काफी सिंपल सा रखूंगा मैं। तो सबसे पहले ये ओरिजिनल फोटो है, तो हम इसे वापस आ जाते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो ऊपर से फिफ्थ ऑप्शन दिख रहा है, जिसपे सन जैसा डायल है, उस पर क्लिक करेंगे, एक्सपोजर को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे द फोटोग्राफ शुड बी प्रॉपरली एक्सपोज, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं चाहिए मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पे शेडो को इंक्रीज कर रहा हूँ। डिटेल्स के लिए वाइट्स को कम कर रहा हूँ, हाईलाइट को मैंने कम किया, ब्लैक को भी मैंने थोड़ा सा बढ़ाया ताकि मेरे पास में ब्लैक कम दिखे। तो फिलहाल के लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमारा ये सारी चीज़ें करने के बाद में। दूसरा, वाइब्रेंस इंक्रीज किया, सैचुरेशन डिक्रीज किया, क्योंकि मुझे एक बहुत ही कम कलर वाला फोटोग्राफ चाहिए। तो आई थिंक आई एम ओके विद दिस। सैचुरेशन एडजस्ट करने के बाद में क्लिक ऑन मिक्स। मिक्स करने के बाद में इन सारे कलर को हम इंडिविजुअली हैंडल करेंगे इन टर्म्स ऑफ सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस एंड ह्यू। तो पहली बार करने के लिए आपको हो सकता है काफी एक्सपेरिमेंट करना पड़े इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। पर यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि मुझे इस फोटोग्राफ में ब्राउन और ब्लैक मेजर एलिमेंट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे हरे कलर के साथ में खेल रहा हूँ। सैचुरेशन थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे येलो के लिए, ताकि हमारी जो स्किन है उसमें जो थोड़ा सा रेडिश, जो रेडिशपन था वो थोड़ा कम होगा। सैचुरेशन मैंने कम किया। ब्लू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बैकग्राउंड में ब्लू दिख रहा है स्काई में, और यहाँ पे उसको मैंने कम किया ताकि मेरे पास में एकदम लाइट ब्लू नज़र आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेजर एलिमेंट ब्राउन और ब्लैक हो। ये चीज़ें करने के बाद में बाकी और कलर से भी आप खेल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाएगी, क्लिक ऑन डन एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद में आप यहाँ पे विनियट इफेक्ट पे आके, आप आइकन देख सकते हैं, विनियट आके आप विनियट ऐड करेंगे, थोड़ा सा जो ब्लैक ब्लैक चारों कोने में आपको राउंड शेप में जो ब्लैक दिख जाता है उस पर करेंगे। डिपेंडिंग ऑन आपको क्या आउटकम चाहिए, आप इन चीज़ों से खेल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसी चीज़ का सेम प्रीसेट अपलोड करने के लिए, आपके साथ में शेयर करने के लिए, जो आपको मिल जाएगा बाकी तीन प्रीसेट के साथ में। आई होप आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। शार्पनिंग में यहाँ पे थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा सा एक्सपोजर, और वापस से डिक्रीज कर रहा हूँ थोड़ी शैडो, और मैं ब्लैक को वापस से थोड़ा सा इनफैक्ट कम करूंगा ताकि मेरे पास में थोड़ा और ब्लैक इफेक्ट आ पाएगा। आई एम हैप्पी विद दिस फोटोग्राफ, लेट्स जस्ट सी बिफोर और आफ्टर। I am really happy. सेम चीज़ अगर आप किसी और फोटो पे इंप्लीमेंट करना चाहें तो तीन डॉट पर क्लिक कीजिए, कॉपी सेटिंग्स पे जाइए, सारे ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, दूसरे फोटोग्राफ को ओपन कीजिए, वापस से तीन डॉट पर क्लिक करके आप जाइए पेस्ट सेटिंग पे, और आपके पास में चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कुछ सेटिंग में हो जाएगी। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है एक फोटोग्राफ का एक्सपोजर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, विच इज़ व्हाट इज हैपनिंग हियर एज वेल। तो इसीलिए मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे एक डिजायर्ड आउटकम मिले। यहाँ पे उस फोटोग्राफ में थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा थी, तो आप कम कर सकते हैं। इस फोटोग्राफ में अगेन आई थिंक आई वुड वॉन्ट टू प्ले विद सम कलर्स, तो मैं रेडिश कलर के साथ में थोड़ा ऑरेंज के साथ में यहाँ पे खेल रहा हूँ, ताकि मुझे ये ब्राउन थोड़ा ज़्यादा दिखे। और मुझे लग रहा है मुझे सैचुरेशन इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा सा, मेन सैचुरेशन। आई थिंक आई एम हैप्पी विद दिस फोटोग्राफ। एक और फोटोग्राफ जो मैंने रिसेंटली स्टोरी में अपलोड किया था, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो है योना का फोटो। दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीसेट मैं आप लोगों के लिए डाउनलोड करने के लिए रखूं बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट almostsocial.in में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक करके भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। आई विल सी यू एज अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज टेक केयर।